नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 और 5 फरवरी के आपके राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी अष्टमी बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ अब बात करते हैं यश में ग्रहों की तिथि कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीजों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन 3 दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसे व्यतीत होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो निवेदन है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि दोस्तों और ऐसे ही अधिक जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, पहले जानते हैं इन 3 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, तिथि और योग के बारे में। दोस्तों, 4 फरवरी की बात करें तो इस दिन गुरुवार का दिन रहेगा। कृष्ण पक्ष की सप्तमी इस दिन तिथि रहेगी और स्वाति नाम का नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, इस दिन योग की बात करें तो गंड नाम के योग के बाद वृद्धि नामक योग प्रारंभ हो रहा है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह वृद्धि नामक योग या शुभ के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपके घर के माहौल में, कार्यक्षेत्र में और आपके पारिवारिक जीवन में भी यश में वृद्धि मिलने वाली है, बशर्ते दोस्तों आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और दोस्तों, इन राहु काल का समय रहेगा दोपहर के 2:03 से लेकर शाम के 3:36 तक। चंद्रमा इस दिन तुला राशि पर संचार करेंगे। वही दोस्तों, 5 फरवरी की बात करें तो इस दिन शुक्रवार का दिन रहेगा। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी और विशाखा नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। और इस दिन वृद्धि नामक योग जो है रात्रि के 7:20 रहेगा, उसके उपरांत ध्रुव नाम का योग प्रारंभ होगा। दोस्तों, ये वृद्धि नामक योग इस दिन भी पूरे दिन आपके साथ रहने वाले हैं। इस दिन भी आपको बेहतरीन सफलता मिलने वाली है। और इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह के 11:17 से लेकर दोपहर के 12:41 तक। और चंद्रमा इस दिन तुला राशि के उपरांत वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इन 2 दिनों की ये जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति है, तिथि और योग को मिलाकर आपकी राशि पर इनका क्या प्रभाव होता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, इन दिनों में परिवार में कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय ठीक रहेगा। जीवन साथी का यह समय आपको सहयोग मिलेगा। जो दोस्तों, इन दिनों में दिन आपके लिए मनोरंजन तथा घूमने फिरने का समय में आप इन दिनों को व्यतीत करेंगे। कारोबार के सिलसिले में यह समय आपको यात्रा पर जाना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिव को लेकर बात करें तो मित्रों के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। दोस्तों, यश में वाणी पर आप संयम रखें, मन अशांत रहेगा, कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, बाहर की यात्रा भी प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, यश में आर्थिक लाभ के लिए जो है किए गए प्रयासों में भी आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो दोस्तों, आप यश में सावधान भी रहें। वही दोस्तों, इन दिनों में आपके लिए जो समय होगा, आपके लिए कुछ चुनौतियों भरा समय होगा, जो आपके लिए काफ़ी परेशानी भरा भी समय हो सकता है। दोस्तों, आप समस्याओं को सकारात्मक तरीके से अपने ऊपर लें, इसमें आपकी जो है सफलता के कुछ सूत्र छिपे हुए हो सकते हैं। यह आपके लिए भविष्य में लाभकारी रहेगा। आप चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपट पाएंगे। नए लोगों से इसमें जो है मुलाकात होने की आसार हैं, जिनके साथ आप नए रिश्ते का आरंभ कर सकते हैं। दोस्तों, आपको जो है यश में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो ये जो समय है आपके लिए नए जॉब ऑफर्स या फिर बिजनेस में कुछ नए कॉन्टैक्ट होने की संभावना बन रही है। दोस्तों, इन दिनों में व्यवसाय के लिए कामकाज के क्षेत्रों में एक अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आप कोशिश करें तो आपको भारी धन लाभ भी होगा। इसलिए दोस्तों, आप जो है सांस भरे कदमों के साथ आगे बढ़ें और कोई भी कार्य को सफल बनाने की आप यश में कोशिश करते रहें। दोस्तों, आप जानते हैं कि बिना मेहनत से कुछ हासिल नहीं होता, इसलिए दोस्तों ये जो दिन है आपके लिए जो है मेहनत करने का दिन होगा और उनसे आप सफलता प्राप्त करेंगे और यह समय आपको आर्थिक इनसे लाभ भी होगा। वही दोस्तों, यह समय इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे, इन दिनों में प्रेम संबंधों को लेकर स्थितियाँ जो है अनुकूल रहेंगी। यदि आप किसी से प्यार भी करते हैं तो दोस्तों उसका साथ आपको यह समय मिल सकता है। आपके प्रेमीजन से जो है यह समय आपके कामकाज के क्षेत्रों में भी सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपकी जो है अच्छी उन्नति हो सकती है। दोस्तों, इन दिनों में आपको कुछ रिश्तों में समस्याएं भी आ सकती है और दूसरों की जो है बात में आकर आप यह समय कोई भी जो है फैसला न लें, किसी पर भी यह समय शक ना करें।
इन सभी से यस में आप दूर रहें। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो ये जो समय है आपको मानसिक तनाव और स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। वही दोस्तों, यश में आपको जो है काम के बीच में से आराम के लिए समय भी निकालना होगा, अन्यथा आप यश में बीमार भी पड़ सकते हैं। दोस्तों, यश में आपका जो भाग्यशाली रंग रहेगा वह रहेगा काला और भाग्यशाली अंक रहेगा 7। दोस्तों, यश में आप अपने जो है निकट के व्यक्तियों और प्रिय व्यक्तियों के साथ अधिक जो है भावनाशील बनेंगे। ऑफिस से छुट्टी लेकर आप पारिवारिक सदस्यों के साथ कहीं घूमने भी यश में जा सकते हैं। आपके बच्चों को भी जो है यह आपका साथ जो है बहुत पसंद आएगा। गणेश जी कहते हैं कि शाम का समय जो है आपके लिए माता पिता को मंदिर या फिर किसी धार्मिक स्थान पर ले जाएं। इन दिनों में अगर आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो दोस्तों, ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में अपने आप को आप शांत रखने के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं करें। जुनून आपके कार्यों में भी यह समय दिखाई देगा, ये गणेश जी की भविष्यवाणी है। दोस्तों, आप जो है अंदर से प्रतिस्पर्धी महसूस करेंगे। सबसे अच्छे प्रोजेक्टों को या समय आप हासिल करने की लालच जो है आपके अंदर ईर्ष्या भर देगा, जब जब किसी और को आपका कार्य सौंपा जाए। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी जो है पारिवारिक जीवन की बात करें तो दोस्तों, इन दिनों में जो है भावनात्मक नियंत्रण की कमी से आपके प्यारे जीवन के सद्भाव को खराब कर सकती है। आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। यदि आप अपने साथी से जो है असहमत हैं तो यह जो है आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस स्थिति को कैसे संभालें। गणेश जी का सलाह है कि इससे पहले भावनाएं आप पर हावी हो जाए, उससे पहले आप जो है अपनी भावनाओं को नियंत्रण में कर लें। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर बात करें तो दोस्तों, यश में अपनी गाड़ी बेचने की आप सोच रहे हैं तो यह योजना जो है टाल दें। ये जो दिन है आपके लिए फायदे वाला दिन नहीं होगा। आपको लगेगा कि गाड़ी बेचने से आपका नुकसान ही हुआ है। गाड़ी बेचने के लिए सही समय बस आने ही वाला है, उसका आप इंतज़ार करें। दोस्तों, इन दिनों में आप जो है काम का बहुत ज़्यादा भार लेने के मूड में नहीं होंगे। आप जो है वास्तव में अपने पूर्ण रूप में नहीं हैं। थका हुआ आप यश में महसूस कर सकते हैं। कार्यों को खत्म करने के लिए दूसरों की यश में आपको जो है सहायता लेना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अपने शरीर की थकान मिटाने और ऊर्जा स्तर को बढ़ाने के लिए आपको जो है पूरे आराम की जरूरत हो सकती है। नहीं तो शरीर की थकावट जो है आपके मन में जो है निराशावादिता को जन्म दे सकती है। दोस्तों, यश में जो लोग जो है काफ़ी वक्त से आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, उन्हें यश में जो है कहीं से धन प्राप्त हो सकता है, जिससे जीवन की जो है कई परेशानियाँ आपके दूर हो जाएंगे। पारिवारिक समारोह और जो है महत्वपूर्ण अवसरों के लिए ये जो दिन है बहुत अच्छा दिन रहेगा। आपको यश में अपने पीर के दिल की बात जानने की ज़रूरत होगी, क्योंकि दोस्तों कल जो है बहुत देर हो जाएगा। मशहूर लोगों से मेलजोल आपको नई योजनाएं और आइडिया सुझाएगा। यात्रा करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, लेकिन महंगा भी साबित होगा। वहीं दोस्तों, इन दिनों में आप जो है साबुत हल्दी को बहते जल में प्रवाहित करें। इनसे दोस्तों आपका जो सेहत इन दिनों में ख़राब होने वाला है, यह इसमें सुधार आएगा। दोस्तों, यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों, यदि कोई बच्चा नज़रदोष से प्रभावित हुआ है और यह भी आपको पता है कि बच्चे को किसी महिला की नज़र लगी है, तो दोस्तों आप उस महिला को अपने घर पर बुलाकर उस महिला के द्वारा ही बच्चे के सर के ऊपर से हाथ फेरवा दें। दोस्तों, बच्चे को तुरंत ही आराम मिलेगा। दोस्तों, यश में आप इन उपायों को करें और साथ ही दोस्तों दोबारा ऐसा ना हो इसलिए आप बच्चे के हाथ में काला धागा भी बांध दें, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, इन उपायों को आप यश में कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। और साथ ही दोस्तों, और ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।